और मैं सीता ठाकुर, आप देख रहे हैं बीएससी एक्सप्रेस न्यूज में आज की खास खबरें। दुर्ग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने प्रदेश के सभी भाजपा सांसद से कहा कि किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कितने बार केंद्र सरकार से की गई। के रिसाली का रहने वाला सन्नी जाम मृत अवस्था में पाया गया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन हॉस्पिटल के बिल्डिंग में लाश मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। मृतक सन्नी जॉन 20 दिनों से गार्ड का काम कर रहा था। दुर्ग के भावी पत्रकार आनंद सिंह राजपूत के निधन पर पत्रकार जगत में शोक की लहर। दुर्ग निगम के महापौर आयुक्त द्वारा डाटा सेंटर में होने वाली प्रेस वार्ता हुई स्थगित। स्वर्गीय आनंद राजपूत को दी श्रद्धांजलि। सहकारिता प्रकोष्ठ और झुग्गी झोपड़ी की महत्वपूर्ण बैठक दुर्ग भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। भिलाई विधानसभा क्षेत्र अलग होकर नवगठित त्रिशाली नगर निगम का गठन विगत वर्ष हुआ था। गृह मंत्री द्वारा आभार प्रदर्शन बाइक रैली निकाली। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए तारीख की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है, जिसमें 4 निगम चुनाव, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर से होंगे। मतगणना और परिणाम 23 दिसंबर को एक साथ होंगे। भिलाई संजय ध्रुव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने होटल और ज्वेलर संचालकों के लिए बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। छत्तीसगढ़ के निवेशकों को धोखा देने वाली चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक निवेशकों को 9.78 करोड़ लौटाए भूपेश सरकार ने। भिलाई में प्यार का झांसा देकर नाबालिग युवती को फंसाया, फिर बालिग हुई तो शादी का झांसा देकर फंसाया, युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। थाने में पहुंची युवती, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया। भिलाई 14 साल की लड़की मिली चोर के पास। पुलिस के हत्थे चढ़ने पर कहा, भगा कर लड़की को लाया था, अब चोरी छोड़कर कर रहा हूँ मजदूरी। भिलाई बीएसपी का मैत्री बाग और चिड़ियाघर खुला, मास्क लगाना अनिवार्य। भिलाई राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत बीएसपी का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर 9 को सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 24 से 27 नवंबर तक ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें भाग लेने के लिए दुर्ग हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की टीम शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंची। कुम्हारी में नागपुर से रायपुर जा रहा ट्रक पलटा खारू नदी के पास, ड्राइवर को आई झपकी, 3 घंटे लगा रहा जाम। रायपुर में कवर्धा विवाद को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अगुवाई में भाजपा के सांसद, विधायकों सहित पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हाउस घेरने निकले। पुलिस ने रोका तो उलझे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी गिरफ्तार। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भतीजे ने क्लब में कुछ युवकों के साथ मारपीट की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। रायपुर में सभी वार्डो में कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने में गर्भवती महिलाएं कतरा रही हैं और भ्रम में हैं। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अभिनव परियोजना के लिए नगर निगम राजनांदगांव को मिला प्रथम पुरस्कार। अंदरपुर में मुख्यमंत्री ने किया थिंक बी के नए कार्यालय का शुभारंभ, स्मार्ट क्लास रूम और लैब का किया अवलोकन। कांकेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्व सहायता समूह की बाड़ी योजना से जुड़कर हो रही है आत्मनिर्भर। पखांजूर कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने केवटी से अंतगढ़ तक रेल परिचालन को लेकर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। धन्यवाद। यह थी बीएससी एक्सप्रेस न्यूज की आज की खास खबरें।